सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माइंड मिस्टर चार्ट एंड यू आर वॉचिंग चार्ट बम। सो गाइज एक साल पहले आप लोगों को पता था जो हम लोगों का ऑटो एक्सपो हुआ था, टाटा ने कर्व का एक कॉन्सेप्ट का दिखाया था। तो अभी बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब कर्व आएगा एंड हम लोग इसको बुक कर सकते हैं। सो पहले जो चीज़ टाटा ने किया वो है कि इन्होंने ईवी लॉन्च कर दिया। नॉर्मली आईसी इंजन लॉन्च होता है, सो दे हैव लॉन्च द टाटा कर्व ईवी। अभी मेरे साइड पे जो गाड़ी आप देख रहे हो ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, विच इज़ द एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट। अभी ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें आपको 55 किलोवाट आवर का बैटरी इसमें प्रेजेंट मिलेगा। अभी मैं इसका वेरिएंट्स और बैटरी सब आपको बता देता हूँ। सो इसमें मेन तीन वेरिएंट आता है, क्रिएटिव, अकम्प्लिश्ड एंड एम्पावर्ड। अगर आप क्रिएटिव में जाएंगे उसमें आपको 45 किलोवाट आवर का बैटरी मिलेगा, अगर आप अकम्प्लिश्ड में जाएंगे उसमें आपको 45 एंड 55 किलोवाट आवर का बैटरी मिलेगा। एंड अगर आप इसका टॉप मॉडल जो कि ये है ये सिर्फ आपको 55 किलोवाट आवर बैटरी पे ही आपको मिलेगा। अभी इसका जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17.49 लाख एंड गोइंग ऑल द वे अप टू 22 लाख। सो आपके हिसाब से आप ज़रूर गाड़ी बुक कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसका रेंज आपको बता देना चाहता हूँ। इसका अगर आप 45 किलोवाट आवर बैटरी पे जाएंगे उसमें आपको 500 किलोमीटर ARAI सर्टिफाइड आपको रेंज मिलेगा। ऑन रोड रियल लाइफ पे आपको डिपेंड करेगा आपके रनिंग के ऊपर। एंड अगर आप 55 किलोवाट आवर बैटरी पे जाएंगे देन इसका ARAI सर्टिफाइड रेंज इज 585 किलोमीटर। सो आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको इस गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, कितना स्पेस आपको मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स टाटा प्रोवाइड कर रहा है। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री। सो और वेट नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं पहले चाबी से। सो यहाँ पर जो पहला चेंज हुआ है गाइस वो है चाबी पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप ईवी लेंगे ना तो यहाँ पर आपको ईवी का ब्रांडिंग मिल जाता है। सो चाबी भाई बहुत ही प्रीमियम है, पहले जो टाटा का की आता था ना उससे तो बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पर आपको चार बटन मिल जाएगा गाइस, गाड़ी लॉक करने के लिए, ये आपका बूट ओपन करने के लिए, ये आपका फॉलो मी होम हेडलाइट्स के लिए है एंड ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए। फॉलो मी होम हेडलाइट्स का बटन अगर आप प्रेस करेंगे देन आप देख सकते हो यहाँ पर यह जल जाता है। सो काफ़ी प्रीमियम दिखता है एज यू कैन सी। सो गाइस टॉकिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, हियर यू कैन सी आपको यहाँ पर जो सामने का जो लुक है एकदम हूबहू नेक्सॉन का जैसा ही मिलेगा। सो सिंस नेक्सॉन का जैसा दिखता है ये काफ़ी प्रीमियम ही दिखता है एट द फ्रंट। सो सामने से आपको ज़्यादा कुछ इसमें और नेक्सॉन में या फिर आप पंच वी में देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पंच वी से जो हायर्ड हुआ है इस गाड़ी में वो है ये पार्ट। आप लोगों को पता है पंच वी में ये ओपन हो जाता है। टाटा का न्यू ईवी का लोगो है यहाँ पर। यहाँ पर आपको कनेक्टिंग DRL मिल जाता है जैसे कि मैंने वो फॉलो मी होम हेडलाइट्स के टाइम दिखाया था आपको। यहाँ पर हेडलाइट यूनिट जो है आपको प्रोजेक्टर सेटअप पे ही मिलता है जैसे फॉलो मी होम हेडलाइट्स में आपने देखा। सो यहाँ पर आपका लोअर हाई बीम प्रोजेक्टर है, नीचे आपको आइस क्यूब डिज़ाइन में फॉग लाइट्स भी मिल जाता है। सामने इस गाड़ी में आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है, एक यहाँ पर है एक आपको उस तरफ मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा इज ओवर हियर। एंड इसका जो रेडार है ना, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली लेवल 2 ADAS आता है, रेडार नॉर्मली यहाँ पर प्लेस किया हुआ रहता है बट इसमें रेडार जो है ना अंदर आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलेगा। सो टाटा ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग किया है इसका जो रेडार सिस्टम है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वेरिश स्लैब रहता है बट यहाँ पर टाटा ने इसको अंदर डाल दिया। सो काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड कैमरा तो भाई आप लोगों को पता है कैमरा इज़ ओवर हियर, प्लेस्ड ओवर हियर। अभी गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा इस गाड़ी में एक अच्छा चीज़ हुआ है क्योंकि अभी आपको ये कूपे स्टाइल डिज़ाइन मिल जाता है पीछे। सो गाड़ी जब आप सामने से देखेंगे ना आपको उतना बड़ा नहीं लगेगा। पिक्चर्स में देखेंगे, वीडियो में देखा है, काफ़ी बड़ा डिज़ाइन आपको मिलता है, काफ़ी मतलब चौड़ा डिज़ाइन है। बट सामने से जब आप देखेंगे ना ये जो पार्ट है ये काफ़ी सुंदर दिखता है क्योंकि इसका जो सी पिलर है, सी पिलर तक आपको ये नेक्सॉन का ही मतलब बॉडी शेल है। पीछे आपको यहाँ पर ये अलग सा टाटा ने इसको डेवलप किया है। सो काफ़ी यहाँ पर एक मतलब खूबसूरत सा आपको डिज़ाइन मिल जाता है। स्लोपिंग ऑब्वियसली कूपे स्टाइल डिज़ाइन है यहाँ पर। अभी जो इसका जो टायर्स है ना, टायर्स आपको यहाँ पर 18 इंची का मिल जाता है, यहाँ पर इसको एरो व्हील्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर आपको 215 सेक्शन का टायर मिलता है। सो 215, 55, R18 का आपको टायर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑटो फोल्डेबल ओवर व्हील्स मिल जाता है। एंड 60 डिग्री कैमरा का लेफ्ट कैमरा इज ओवर हियर। LED में टर्न इंडिकेटर्स है। यहाँ पर आपको ये मतलब पुल टाइप डोर हैंडल्स मिल जाता है जो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। पहला ये आपने ऑब्वियसली XUV700 में देखा है। सो ये काफ़ी एक प्लश और प्रीमियम सा फील देता है गाड़ी को। एंड ये इल्यूमिनेटेड भी आपको मिल जाता है ये जो पार्ट आप देख रहे हो। सो रात को आपको वो की होल ढूंढने में मतलब वो डोर हैंडल ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, बेल्ट लाइन आपको ग्लॉस ब्लैक पे मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली भाई टॉप मॉडल है सो पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाता है ऊपर। सो काफ़ी सुंदर दिखता है। पीछे आपको एक शार्कफिन एंटेना भी दिया गया है ग्लॉस ब्लैक कलर पे। नाउ कमिंग टू द रियर व्हील्स, पीछे भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सामने भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी है क्योंकि ऑब्वियसली रीजन आपको मिल जाता है। एंड पीछे का भी टायर प्रोफाइल आपको सेम ही मिलता है, 215 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है 55 मतलब विथ के साथ मतलब जो साइड वॉल है। एंड 18 इंची का ही मिल जाता है। एंड जो और एक जो खास चीज़ है ना इस गाड़ी में वो है कि प्रीमियमनेस इंक्रीज करने के लिए आपने इस सेगमेंट में बहुत सारे गाड़ियों में देखा है कि इसका जो व्हील वेल है, बॉडी क्लैडिंग है, ये आपको मैट ब्लैक पे मिलता है बट यहाँ पर टाटा ने इसको फुल ग्लॉस ब्लैक पे कर दिया है।
सबको बहुत ही एक प्रीमियम सा फील यहाँ पर आपको ज़रूर लगेगा। सो इट्स अ बिग थम्स अप फॉर माय साइड गाइस। अभी चलते हैं, जो हाईलाइट पॉइंट है वो इस गाड़ी के पीछे। सो पीछे के बारे में अगर बात करूँ भाई, पीछे का जो इसका लुक है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो एकदम लैम्बो उड़ूस उड़ूस आपको फील देगा, क्योंकि भाई वैसा ही दिखता है, बट ऑब्वियसली नैरो इन साइज। सो बहुत ही एक प्रीमियम सा आपको डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाता है पीछे। यहाँ पर आपको ये कनेक्टेड टाइप डिज़ाइन मिल जाता है टेल लैम्प्स पे। इंडिकेटर आप देख सकते हो यहाँ पर जल रहा है। एंड और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे ना, इसका जो ये पॉइंट है कोई भी कट नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो मतलब स्टॉप लैम्प है उसके साथ ही इंडिकेटर जल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियम थिंग इन माय ओपिनियन। टाटा का न्यू लोगो है पीछे। आपको यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा का रियर कैमरा मिल जाता है। कर्व डॉट ईवी का बैचिंग एंड दिस इज फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। एंड इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट आप देख सकते हो फुल ग्लॉस ब्लैक में फिनिश किया हुआ है, विच ऑलवेज इनहेंसेज द स्पोर्टी फैक्टर एंड ऑल्सो द प्रीमियमनेस फैक्टर। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाता है, एक यहाँ पर है एंड एक आपको इस तरफ मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली भाई ईवी है, सो कोई भी आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। एंड इसका जो रिवर्स लाइट है वो आपको वहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलेगा, जैसे ऑलरेडी आपने नेक्सॉन में देखा है, हैरियर में देखा है। सो डिज़ाइन लैंग्वेज वाइज इट्स एब्सोल्युटली सेम। सो बूट अभी आप लोगों को पता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है ओवर हियर, सब इसको प्रेस करेंगे देन आपका जो बूट है, एज यू कैन सी इट्स ओपनिंग। आपको जेस्चर फंक्शन भी मिल जाता है, बट मैं अभी कैमरा हाथ पे है सो मैं वो नहीं करूँगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है। पासेज शेल्फ काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, एज यू कैन सी नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। एंड जो सेगमेंट फर्स्ट इस गाड़ी में आपको मिल रहा है वो है 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। सो कोई भी सेगमेंट पे, मतलब कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट पे ये आपको नहीं देता है। सो अगर आपके पास बहुत मतलब लगेज है देन यहाँ पर फिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बूट लैंप मिल जाता है हुक के साथ। और एक जो चीज़ है वो है कि इसका जो लोडिंग लिप है वो भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस एब्सोल्युटली ग्रेट। यहाँ पर आपको बूट क्लोज करने का बटन मिल जाता है, एज यू कैन सी इफ यू प्रेस दिस बटन योर बूट विल क्लोज। सो ये गाइस कुछ बूट का फंडा। बूट आपको कैसा लगा, रियर लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी चलते हैं गाइस इसका रियर सीट पे। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर ये आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाता है। सो अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो रियर सीट का जो कम्फर्ट है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो ओडोनांशु इज हियर विद मी। सो भाई कैमरा थोड़ा पकड़ लो और मेरा जो लेगरूम है वो थोड़ा दिखा दो। सो अभी हम लोग चल जाते हैं गाइस अंदर। सो कमिंग टू द इनसाइड गाइस, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, ये ईवी है सो ऑब्वियसली थोड़ा नी हाई पोजीशन में आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा जैक्ड अप रहता है, बैटरी नीचे है। अभी जो लेगरूम है, लेगरूम इज़ गुड एज यू कैन सी। अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा लैकिंग है, क्योंकि आप नी हाई पोजीशन में आप बैठ रहे हो। मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है। सीट्स आर प्रीटी कम्फर्टेबल, आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सो सीट्स आर रियली गुड ओवर हियर एज यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हो। और मेरा जो हेडरूम है, हेडरूम भी आप यहाँ पर देख सकते हो, हेडरूम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अंदर में इसका जो इंटीरियर है पूरा वाइट है, सो इंटीरियर में आपको काफ़ी एक मतलब प्रीमियम सा फील लगेगा। वाइट इंटीरियर है इसका, छत भी आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस इट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस ये कुछ इंटीरियर। अभी फीचर्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कैमरा में ले लेता हूँ गाइस। सो फीचर्स के मामले में अगर बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंप्लेन है, क्योंकि एटलीस्ट मतलब 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना चाहिए था, बट देन दैट इज़ माई ओपिनियन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर्स, एंड ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा डोर ग्रैब हैंडल हुक के साथ। यहाँ पर आपको एलईडी में रीडिंग लैम्प दिया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एलईडी में रीडिंग लैम्प के साथ हुक यहाँ पर दिया गया है। सो ये है गाइस कुछ रियर सीट्स। अभी चल जाते हैं गाइस गाड़ी के सामने, क्या क्या आपको मिल जाता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस फ्रंट डोर में आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इसको आपको ओपन यहाँ से करना पड़ेगा। सो ओपनिंग द फ्रंट डोर, यहाँ पर आपको डुअल इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक, और यहाँ पर आपको लेदरनेट फिनिश मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम है। आपको नेक्सॉन का बहुत याद दिलाएगा ये जो इंटीरियर है। यहाँ पर आपको सब पावर विंडो का कंट्रोल्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रोम पे डोर हैंडल मिल जाता है, ओआरवीएम का सब कंट्रोल्स यहाँ पर है, यू गेट अ बॉटल होल्डर हियर, जेबीएल का सिस्टम है, एज यू कैन सी 9 स्पीकर का सिस्टम आपको इस गाड़ी पे मिल जाता है। सीट्स जो है, सीट्स आपको यहाँ पर लगेगा मतलब लेदरेट है, लेदरेट ही है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक फिनिश इस पार्ट पे आपको मिल जाएगा। वेंटिलेशन भी आपको मिल जाता है सीट्स पे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल सीट का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। एंड और एक जो चीज़ है, ड्राइवर साइड का जो सीट है ना वो आपको 6-way पावर एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, बट इसका को पैसेंजर का जो सीट है वो भी आपको 6-way एडजस्टेबल मिलेगा, बट वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा बटन्स नहीं मिलता है गाइस, सिर्फ आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिल जाता है। सो ये गाइस सीट और डोर्स का फंडा भी चल जाता है गाइस गाड़ी के अंदर। सो ये है गाइस इंटीरियर ऑफ द टाटा कर्व ईवी। अब पहला चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा ना, अगर आप फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में बैठे हो एंड अगर आप मतलब पहले नेक्सॉन में भी बैठे हो, तो आपको बहुत सारा सिमिलैरिटी लगेगा, क्योंकि इंटीरियर एकदम हूबहू आपको नेक्सॉन का जैसा ही मिलता है। सिर्फ स्टीयरिंग आपको हैरियर और सफारी का मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको फोर स्पोक का मिलता है। और एक जो डिफरेंस है बिटवीन द नेक्सॉन एंड द कर्व ईवी कि यहाँ पर आपको ये एम्बियन लाइट मिल जाता है, जो ऑब्वियसली नेक्सॉन में यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं किया मिलता है। इंटीरियर जो है आपको ब्लैक, और यहाँ पर आपको ये लेदरेट फिनिश मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको ये कार्बन फाइबर टेक्सचर मिल जाता है,
ग्लव बॉक्स अगर हम लोग देखेंगे, ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग फंक्शन के साथ स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है अंदर, आप देख सकते हो। लैपटॉप भी आपका फिट हो जाएगा, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर अगर हम लोग टच स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पर आपको 12 इंच का ये टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। सो ब्रिलियंट टच स्क्रीन गाइस, मैं हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि टाटा ने इसमें जो टच स्क्रीन दिया है ना, मतलब बेस्ट इन द सेगमेंट है। इतना स्मूथ है कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है, सो एज यू कैन सी अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर सराउंड व्यू पे, सो एज यू कैन सी इफ यू गो टू सराउंड व्यू, देन यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सुंदर कैमरा आपको मिल जाता है। इट इज द बेस्ट इन द सेगमेंट गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नेक्सॉन का, हैरियर का, सफारी का और ये जो कर्व है, सबसे ज्यादा मतलब क्लीन आपको यहाँ पर कैमरा का क्वालिटी मिल जाता है। सो एब्सोल्यूट ब्रिलियंट थम्स अप फ्रॉम माय साइड। एंड इसमें JBL मोड्स भी आपको मिल जाता है, सो अगर आप गाने का शौकीन हो देन आप जरूर मतलब सुन सकते हो यहाँ पर JBL मोड्स के साथ, सो नॉट अ प्रॉब्लम देयर। अभी ईवी है, सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये ग्रीन मतलब थोड़ा टेक्सचर मिल जाता है। डुअल AC वेंट्स है, नीचे आपको सारा कंट्रोल्स यहाँ पर टच ही मिलेगा। सो मैं जूम करके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर सिंगल जोन AC आपको मिलता है, डुअल जोन आपको नहीं मिलेगा जैसे आपको हैरियर और सफारी में मिलता है। सारा बटन्स आपको यहाँ पर मतलब टच ही मिलेगा। यह आपका ब्लोअर कंट्रोल है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, AC ऑन करने का बटन है, ऑटो AC का यहाँ पर बटन है, एक्सप्रेस कूलिंग भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल जो मतलब नेक्सॉन और हैरियर में आपने देखा है वही यहाँ पर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे आपको यहाँ पर कुछ पोर्ट्स मिलता है गाइस, ये आपका 12 वोल्ट का पोर्ट है, यहाँ पर आपको एक USB टाइप ए का पोर्ट मिलता है एंड एक 45 वॉट का भी चार्जर आपको मिल जाएगा। काफ़ी प्रीमियम से आपको यहाँ पर गियर नॉब मिल जाता है, यू गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ओवर हियर, यू गेट ऑटो होल्ड फंक्शन। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे आपको ये ड्राइव मोड मिल जाता है, इको सिटी और स्पोर्ट मोड, यू गेट अ वायरलेस चार्जिंग पैड ओवर हियर। एंड यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है विद स्पेस इन द मिडिल। ऊपर अगर हम लोग देखेंगे गाइस, आपको एक ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है। सनरूफ का जो कंट्रोल्स है आपको यहाँ पर मिल जाता है, सनरूफ में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो एज यू कैन सी इफ यू जस्ट प्रेस दिस, आपका जो सनरूफ है दैट इज ओपनिंग। सो पैनोरामिक सनरूफ है, सो काफ़ी प्रीमियम है इस सेगमेंट पे, दे हैव बॉट इवन सेल्टोस वेल्टोस में भी आता है बट यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम से आपको टच मिल जाता है। वाइजर में आपको मिलेगा मिरर बट कोई लाइट नहीं है। एंड यहाँ पर आपको वाइजर में मिलेगा एक टिकट होल्डर, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। अभी जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील आपको हैरियर सफारी में ये 4-spoke का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम सा स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको सारा बटन्स मिलेगा इंफोटेनमेंट के लिए। एंड यहाँ पर आपको ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ये सब लेन की असिस्ट का आपको यहाँ पर फंक्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा ये जो MID है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसका एडजस्टमेंट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ हाइट का ही मिलता है गाइस, रीच का आपका एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा पैडल शिफ्टर्स फॉर योर रीजन, यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर्स मिल जाता है, ऑटो हेडलाइट्स भी आपको दिया गया है। अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप लोगों को पता है भाई, ये ऑलरेडी आपने नेक्सॉन में देखा है, आपने ऑलरेडी हैरियर और सफारी में भी देखा है, ऑल डिजिटल जो 10.25 इंच का स्क्रीन आता है। सो बीच वाला जो स्क्रीन है वो आप स्टीयरिंग के बटन के साथ चेंज कर सकते हो। एज यू कैन सी यू गेट लोड्स ऑफ फंक्शंस ओवर हियर, सो ओवर हियर आपका मीडिया है, देन यहाँ पर नेविगेशन भी आपको दिखा रहा है, नोटिफिकेशंस है, एनर्जी इन्फो आपको दिखा रहा है, सेटिंग्स पे अगर आप लोग जाएंगे वो भी आपको दिखाएगा, ट्रिप इन्फो है, ड्राइवर असिस्ट भी आपको दिखा रहा है। सो ये मतलब अगर आपका ADAS ऑन है देन यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिखा देगा। सो व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा। सो गाइस, इंटीरियर जो है इस गाड़ी का, इंटीरियर आपको काफ़ी प्रीमियम सा मिलता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द नेक्सॉन, उसमें कोई खराबी नहीं है, काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर है, स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी प्रीमियम है। सो गाइस, दिस वॉज माई डिटेल इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू टाटा कर्व EV, टॉप मॉडल है। सो इंटीरियर कैसा लगा मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज, ये था मेरा डिटेल रिव्यू ऑन दी ऑल न्यू 2024 टाटा कर्व EV का टॉप मॉडल, जो आपका एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट है। सो गाइज, अगर आपका बजट बिटवीन 23-24 लैक्स है एंड अगर आप नॉर्मली आपका जो रनिंग आप सिटी में ही करना चाहते हो एंड आप थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहते हो, देन गाइज आप ज़रूर इस पे जा सकते हो। काफ़ी मतलब प्राइस के हिसाब से ना काफ़ी अच्छा बैटरी पैक आपको मिल जाता है, फीचर्स वाइज भी एकदम लोडेड है। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना फीचर्स आपको मिलता है एंड डिज़ाइन लैंग्वेज भी काफ़ी यूनिक है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउटसाइड द क्राउड, ठीक है, देन आप ज़रूर इस गाड़ी पे आप जा सकते हो। सो गाइज, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद सम न्यू कंटेंट लाइक दिस। टिल देन, चाओ।